जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं हम ये वीडियो में सिल्वर के बारे में। लास्ट वीक के अंदर जो है वो काफी परेशानी का सामना जो है वो हमने किया, तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में संभावित चर्चा करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन सिल्वर जो है वो वहीं पे खड़ा है। तो क्या गोल्ड जो है वो ऊपर बढ़ता रहेगा और सिल्वर यही खड़ा रहेगा, या सिल्वर भी उसका साथ देगा? चर्चा करते हैं हम ये वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड का क्लोजिंग हुआ है कुछ 75,050 के आसपास, अराउंड 44 है, 50 राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ से उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा जो है वो हम करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम उसका रेजिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मुझे पहला नज़र में आता है वो आता है कुछ 75,400 के आसपास, 75,400 के आसपास का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काटता है तो फिर अगला जो पड़ाव उसका बन सकता है वो है 76,025 के आसपास, और उसके ऊपर एक नई जर्नी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये दो रेजिस्टेंस जो है वो अगले वीक के लिए हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों सपोर्ट के ऊपर। तो लास्ट वीक के अंदर जो है वो हमने जो है वो टाइटल दिया था, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि परेशान तो करेगा। जैसे कि मैं दोस्तों हर बार आपको बताता हूँ कि मैं टाइटल कुछ इसी प्रकार देने की कोशिश करता हूँ कि वो करंट जो वीक आने वाला है उसका कुछ वो वाक्य के अंदर, वो शब्दों के अंदर कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाए। तो लास्ट वीक के अंदर हमने कुछ ऐसा ही डिस्कशन करने का प्रयास किया था कि परेशान तो करेगा, और ये वीक में देखिए दोस्तों पूरा जो है वो मार्केट ने सभी को तंग किया है। एक सपोर्ट देख लेते हैं क्या बन सकता है। तो सपोर्ट के लिए जो है वो हमें ध्यान रखना है 74,250 के आसपास। अगर ये 250 का लेवल कटता है, 74,250 का लेवल दोस्तों हमारा सपोर्ट था कि वो लेवल कटेगा तभी कुछ करेक्शन की उम्मीदें मुझे लग रही थी। लास्ट वीक का ये वीडियो है वो आपने देखा होगा, लेकिन मार्केट ने दोस्तों लगभग लगभग वो वीक में 3 दिन जो है वो 74,300 के आसपास आके रुका। 3 दिन दोस्तों वो लेवल कटा नहीं और उछल जाता था, वो लेवल कटा नहीं उछल जाता था, वही लेवल पर सपोर्ट लिया। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके साथ साथ मित्सु 6-7-8 का नियम, बीबी का नियम और लाइव क्लासेस पूरे 90 दिनों तक दोस्तों हम करते हैं। अगर आप वो लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप जुड़ सकते हो और लाइव क्लास के वीडियो भी आप देख सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए किसी भी कारण से तो आप उसके वीडियो भी लगातार देख सकते हो, और वो भी पूरे दोस्तों 90 दिनों तक, सिर्फ 4-5 दिन 10-12 दिन की बात नहीं है, पूरे 90 दिनों तक जो है वो आपको लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलता रहेगा हफ्ते में 2 बार, और लाइव मार्केट पर वहाँ पर चर्चा भी करते हैं। तो अब शायद अब मंडे को शाम को करेंगे लाइव मार्केट से, तो अगर आपकी जुड़ने की इच्छा हो तो जुड़ सकते हो, देख सकते हो। अब बात कर लेता हूँ सपोर्ट के ऊपर। तो ये रेजिस्टेंस की कहानी तो हो गई। सपोर्ट दोस्तों हम वही रखते हैं जो लास्ट वीक में, क्योंकि वही लेवल जो है वो एक बेहतरीन सपोर्ट है। वो लेवल अगर टूटता है लास्ट वीक का 74,250, वो अब हमारा एक स्ट्रांग बढ़िया बेस बन चुका है। अगर वो लेवल नीचे की तरफ काटता है तब हमें जो है वो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, फिर वहाँ से करेक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो हम वो लेवल के ऊपर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। अब इन दौरान मार्केट में अगर कुछ चेंज होगा तो मंडे टू फ्राइडे दोस्तों लगभग लगभग 10:30 से 11 के आसपास जो है वो वीडियो आ जाता है हमारा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, क्योंकि हर रोज़ जो है वो हम सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड, ये सभी कमोडिटी के बारे में जो है वो सुबह 10:30 के आसपास के वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं लाइव मार्केट से। वहाँ पर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ जो है वो साझा करता हूँ, तो आप जो है वो उसके अंदर भी जुड़ सकते हो। तो ये वीडियो में हम यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर करता हूँ समाप्त। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, और डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो भी चर्चा हमने करी है ये वीडियो के अंदर वो एजुकेशन के लिए है, मार्केट को सीखने समझने के लिए है। इसके ऊपर आप ट्रेड करो उससे पहले आप जो है वो अपने साइड पर भी जरूर एक बार ये सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, फिर अपना ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो में बने रहे इसके लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।